I'm actually wearing very interesting things and I swear I'm not saying it. This, ये जितना सुंदर लग रहा है ये उतना ही भारी है और ये इनकी गलती है क्योंकि इन्होंने बनाया ये कुछ 2.5 किलो का है चाहे 3 किलो का. इट्स रियली हैवी. मैं इनसे 2.5 किलो का मेरा भी हाथ हो गया. एंड दिस पीकॉक रिंग इज वेरी प्रिटी सो आई एम रियली लविंग ऑल द ज्वेलरी दैट आई एम वेयरिंग. कि ये भगवान में गिर ना जाऊँ वो आई थिंक सबसे बड़ी टेंशन होती है क्योंकि हम लोग हील्स में चल रहे हैं एंड रिहर्सल करने का टाइम नहीं मिला था तो मुझे पता नहीं था कि कितना स्लिपरी होने वाला है नहीं होने वाला. लेकिन मैं नहीं गिरी, मैं बच गई. बबली बहुत लिमिटेड वर्ड है. मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी पर्सनालिटी का एक ही पहलू दिखाता है. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक्टर हूँ तो मुझे अपने सारे पहलू दिखाने चाहिए. जी मैं बहुत खुश रहती हूँ और मैं बहुत हंसती हूँ और मैं ज़ोर ज़ोर से बात करती हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बबली हूँ. तो आई मीन है वो मेरे ही हाथ में है कि एक दिन जब मैं अलग अलग काम करके दिखाऊंगी तो आप लोग अपना ओपिनियन बदल लेंगे. आई एम वेरी एक्साइटेड. In fact, both of us are very excited. We've been messaging each other saying Chopra weekend again. Last time भी बहुत मज़ा आया था क्योंकि हम लोग एक साथ ही सब promotions कर रहे थे and हमारी families सब एक साथ ही दोनों पिक्चरें देखी थी और इस बार भी यही होने वाला है. आप लोग भी प्लीज़ दोनों फिल्म्स देख कर आना. आई एम ओनली हियर फॉर द ज्वेलरी वीक, नथिंग एल्स. मैं सिर्फ अक्स को और यहाँ के ज्वेलरी वीक को प्रमोट करने आई हूँ और कुछ नहीं करने आई हूँ. ये सिर्फ कोइंसिडेंस है. एक्चुअली मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में ज्वेलरी इतनी ज़्यादा नहीं पहनती क्योंकि हमें शूट्स के लिए बहुत पहनना पड़ता है और इवेंट्स के लिए बहुत पहनना पड़ता है. तो इनफैक्ट मैं बहुत कैजुअली ड्रेस करती हूँ. तो अगर मुझे इम्प्रेस करना है तो आई थिंक ज्वेलरी मत ही देना. मुझे डिनर के लिए या पिक्चर के लिए ले जाना, मैं इम्प्रेस हो जाऊँगा.